जय हनुमान। वास्तु सागर में आपका स्वागत है। आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज मैं आपको बता जा रही हूँ नॉर्थ फेसिंग हाउस के बारे में। नॉर्थ फेसिंग हाउस का संबंध लक्ष्मी और कुबेर से है और इस दिशा में घर होना वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस घर में पैसे की बरसात होती है अगर ये घर वास्तु के हिसाब से बना हो तो। घर का मेन गेट नॉर्थ वेस्ट में रखें और पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में रखें। नॉर्थ ईस्ट में बच्चों के पढ़ने के लिए कमरा भी बना सकते हैं, जिससे बच्चों का मन पढ़ाई में ज्यादा लगेगा और नॉर्थ का हिस्सा बाकी घर से ज्यादा खुला छोड़ें। और इस जगह पर आप अंडरग्राउंड बोरिंग करवा सकते हैं और अपने घर की ढलान नॉर्थ की तरफ रखें, नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ ही रखें। ये बाकी घर से नीचा स्थान होना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखना चाहिए। इस जगह पर जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए। अगर आपके घर में शादी योग्या कन्या है तो उसका कमरा नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए और अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो उन्हें नॉर्थ वेस्ट में ही ठहराना चाहिए। अगर आपके घर में रेंट के लिए जगह बनाई हुई है तो रेंट वालों के कमरे भी नॉर्थ वेस्ट में ही रखने चाहिए। कभी भी सीढ़ियां नॉर्थ की दीवार के साथ लगती हुई नहीं चढ़ानी चाहिए। सीढ़ियां हमेशा साउथ या वेस्ट की तरफ ही होनी चाहिए। घर में किचन साउथ ईस्ट में ही बनानी चाहिए। अगर साउथ ईस्ट में स्पेस ना निकल रहा हो या किसी वजह से वहाँ किचन ना बन पाए तो आप इसे नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं। दक्षिण दिशा को ज़्यादा से ज़्यादा बंद रखना चाहिए और वहाँ पर खिड़कियाँ आदि नहीं बनानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भारी सामान इस दिशा में रखना चाहिए। नॉर्थ का हिस्सा जितना हो सके उसको खाली खुला और बाकी घर से नीचे रखना चाहिए, नीचा रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी और कुबेर की कृपा आप पर बरसेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप और ऐसी जानकारी चाहते हैं तो मेरे को कमेंट देकर बताएं, मैं आपको ऐसी जानकारियां और देती हूँ। धन्यवाद।